सत्य प्रेम की कथा नाम की फिल्म आ रही है, तो उस फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो ट्रेलर के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रेलर में से स्टोरी को निकाल देते हैं और बाकी का जितना ट्रेलर बचता है वो एकदम परफेक्ट है, 100% अच्छा है। मान लो कि ट्रेलर में एक्टिंग की बात की जाए तो सभी एक्टर की परफॉर्मेंसेस ट्रेलर में काफ़ी अच्छी लग रही है। फिर कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये केमिस्ट्री ऑलरेडी हमने भूल भुलैया 2 में देखी हुई थी, तो ये जोड़ी तो हमें तभी से पसंद है, तो यहाँ पर भी ये जोड़ी कमाल करती हुई नज़र आ रही है। केमिस्ट्री भी अच्छी है दोनों के हाथ में, जितने डायलॉग्स ट्रेलर में है, पंचिंग, डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग, जो भी है सब कुछ अच्छा है। दोनों की एक्टिंग, साथ ही साथ बाकी कलाकारों की एक्टिंग, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की काफ़ी अच्छी लग रही है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन वही ट्रेलर में अगर हम स्टोरी को डाल दें तो सब कुछ घिसा पिटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी भी लव स्टोरी फिल्में हमें देखी है, लव स्टोरी के प्रकार होते हैं, ट्राइंगल लव स्टोरी होती है, फिर दूसरी लव स्टोरी होती है कि भाई घर वाले नहीं मानते हैं, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर लड़के के नहीं मान रहे हैं, या फिर दोनों के घर वाले दुश्मन हैं तो शादी नहीं होने दे रहे, या दोनों को मिला नहीं रहे हैं, ऐसा भी होता है। फिर दोनों के घर वाले ने शादी कहीं पर दोनों की अलग अलग फिक्स कर रखी है, ऐसा भी होता है। तो कई प्रकार की लव स्टोरी होती है। अब उन्हीं सिनारियों में, उन्हीं प्रकार में ये भी एक लव स्टोरी है। अब या तो किसी के दोनों के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर लड़की की शादी कहीं पर तय हो गई है, लड़के की कहीं पर तय हो गई है, वही सब कुछ है। तो हम लोग बड़े हुए हैं, इस तरह की लव स्टोरी फिल्म देखते देखते हम लोग बड़े हुए हैं, तो ट्रेलर देख के अभी लग रहा है कि भाई ये भी हमने ऑलरेडी कहीं पे देखा हुआ है या फिर ऑलरेडी देखी हुई है फिल्म। हाँ, फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा कि इसमें यूनिक क्या है, नया क्या है। बाकी फ़िलहाल ट्रेलर टेक्निकल व्यू से भी अच्छा है, एक्टिंग के व्यू से भी अच्छा है, म्यूज़िक भी अच्छा है, प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन स्टोरी घिसी पिटी लग रही है। लेकिन रिलीज़ होने के बाद कुछ यूनिक निकलना चाहिए अंदर से। फिर भी कार्तिक आर्यन की फिल्म है, एक्टिंग बंदा अच्छी कर रहा है, बंदे का समय भी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जोड़ी हमने भूल भुलैया 2 में देखी हुई है तो जोड़ी भी पसंद है, तो उसी हिसाब से देखने के लिए लोग जा सकते हैं। बाकी फिल्म रिलीज़ होने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ नया है। आपको कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।